विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शांत शांत शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादी नगेन्द्र संघपवये योगीन्द्र वंद्याय च मोहध्वांत दिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोस्तु सततम् पूर्णाय बोधात्मने। नमः शिवाय नमः शिवाय। पच्चीसवें सूत्र से लेके 33वें सूत्र तक एक विषय माना जा सकता है। 25वां सूत्र यह कहता है कि परमात्मा प्राप्ति के जो साधन गिने गए हैं शास्त्र में, कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो और भक्ति, इन सारे साधनों में भक्ति का श्रेष्ठत्व कहा गया। बात यह है कि केवल प्रतिज्ञा करने मात्र से ही बात सिद्ध नहीं होती। किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रमाण दक्षिणादि से होती है। वस्तु को सिद्ध करना पड़ेगा, उपपन्न करना पड़ेगा, समझने योग्य करना पड़ेगा, बुद्धिग्राह्य करना पड़ेगा। यहां 25वें सूत्र में उन्होंने कहा कि ज्ञान, कर्म, योग इनकी भी अपेक्षा भक्ति अधिकतर है। 33वें सूत्र में पहुंच के देवर्षि नारद ये कहते हैं कि सैवा ग्राह्या मुमुक्षु भी, सैव ग्राह्या मुमुक्षु भी, इसीलिए तस्मात, इसीलिए मुमुक्षुओं ने भक्ति का ग्रहण करना चाहिए। भक्ति का ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ऊपर वाली बात, ऊपर वाला सूत्र और जो इस विषय को निर्णय करने वाला सूत्र जहां संग्रह किया जाता है, ये संग्रह वाक्य माना जाएगा। तस्मात पद का यहां प्रयोग किया है इसीलिए।
तस्मात का अर्थ होता है इसलिए। यदि इस पद का कुछ विचार करें तो ये लगता है कि इस पद को आने से पहले, मतलब इस शब्द का प्रयोग करने से पहले बहुत सारी बातें कही गई और उन बातों का सारांश अब दे रहे हैं, उसका कंक्लूजन यहां दे रहे हैं। कहा मुमुक्षुओं ने भक्ति का ग्रहण करना चाहिए, इसलिए भक्ति का ग्रहण करना चाहिए, किंतु किन्होंने? मुमुक्षुओं ने। यह मुमुक्षु पद से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो मोक्ष का अभिलाषी है, मोक्ष का इच्छुक है, वह मुमुक्षु है। अब कोई कहेगा हमें मोक्ष तो नहीं परमात्मा चाहिए। तो क्या वह मुमुक्षु नहीं है? तो प्रश्न ये उपस्थित होता है, क्या परमात्म प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति ये दो भिन्न भिन्न विषय हैं क्या? जैसे किसी ने संतरा खाया तो मतलब है उसने सेब नहीं खाया। तो यदि परमात्मा और मोक्ष ये दो अलग अलग चीजें हो, तब तो ये सवाल उठ सकता है कि कोई मुमुक्षु है तो कोई परमात्मा प्राप्ति का इच्छुक है, कोई मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक है, कोई परमात्मा प्राप्ति का इच्छुक है। तब तो यहां कोई द्वंद्व ही नहीं, परंतु साधन भी गिनाए गए मोक्ष के ही और अंतिम में निर्देश भी दिया गया मुमुक्षु को ही। इसलिए हमें बलात् प्रकरण के अर्थ के बल से यही कहना पड़ेगा कि यहां मुमुक्षु पद से मोक्ष का इच्छुक वही परमात्म प्राप्ति का इच्छुक है, यही कहना पड़ता है, समझना पड़ेगा। प्रकरण का बल है। सा एव ग्राह्या मुमुक्षु भी। क्यों? क्योंकि भक्ति श्रेष्ठ है और भक्ति की श्रेष्ठता में उन्होंने कुछ बातें, भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कुछ बातें बताई। दो कारण दिए हैं। 26वें सूत्र में उन्होंने कहा क्योंकि भक्ति फलरूपा है, फल का अर्थ साध्य होता है, जो साध्य है वो किसी साधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भक्ति को यहां साध्य बताया और वह भक्ति मोक्ष का साधन है ये ध्वनित किया। अब देखिएगा यहां पे कारण, जब भक्ति की श्रेष्ठता बताने में इन्होंने कारण दिया तो कहा वह फलरूपा है, मुमुक्षुओं ने उसी का ग्रहण करना चाहिए। यदि भक्ति ही, भक्ति को अंतिम साध्य न माना जाए
और भक्ति को केवल साधन कोटि में ही रखा जाए, तब कौन सी विपत्ति आ सकती है? और स्वयं नारद जी का यदि हम 25वें सूत्र से अग्रिम सूत्र तक 33वें सूत्र तक इस प्रकरण का उहापोह करें, तब यही लगता है कि इन्होंने भी भक्ति को साधन रूपा माना है, परंतु वह साधन ऐसा है कि जो फल रूप में परिणत हो जाता है। इसीलिए फल रूपत्वात्, अब कोई मुमुक्षु है और उसको ये कहा जाए कि इसीलिए मुमुक्षु ने मोक्ष का ग्रहण करना चाहिए, अरे भाई मुमुक्षु ने मोक्ष का ग्रहण करना चाहिए, ये कौन से आपने बड़ी बात कह दी, मुमुक्षु तो मोक्ष को ग्रहण करने के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। मुमुक्षु मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, अतः उसको तो वो अभी तक ग्रहण मोक्ष का ग्रहण हुआ ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो आप ये नियम क्या बांध रहे हो, कर लेना चाहिए। तो इसीलिए यहां भक्ति मोक्ष के साधन कोटि में ही आ गई। भले ही साधन कोटि में आ गई, परंतु वही भक्ति जो साधन भक्ति है वह साध्या भी हो जाती है, मोक्ष रूप भी हो जाती है, यही इससे कहना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने चार भक्तों का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक आर्त भक्त है, एक अर्थार्थी भक्त है, एक जिज्ञासु भक्त है और एक ज्ञानी भक्त है। ज्ञान को भी भगवान श्री कृष्ण भक्ति ही कह रहे हैं। उसके अर्थार्थित्व को भी भगवान श्री कृष्ण भक्ति कह रहे हैं। उसके भक्त में रहने वाली जिज्ञासा को भी भक्ति ही कह रहे हैं, और उसकी आर्तता जो है उसको भी भगवान श्री कृष्ण भक्ति ही कह रहे हैं। अन्यथा आर्त जो है तो उसमें आर्तता है, अर्थार्थी जो है उसमें अर्थार्थित्व है, जो जिज्ञासु है उसमें जिज्ञासा है, और जो ज्ञानी है उसमें ज्ञान है। परंतु यहां उसकी आर्तता का अर्थ भक्ति हो गई, यहां इसके अर्थार्थित्व का मतलब भक्ति हो गई, जिज्ञासा का अर्थ भक्ति हो गया और ज्ञान का भी अर्थ भक्ति हो गया। इसलिए जहां श्री कृष्ण इन चारों की गिनती करते हैं तो आपको सावधान होकर के देखना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं भगवान। बार बार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में श्रुणु श्रुणु पद का प्रयोग करते हैं। श्रुणु का अर्थ है सावधानी से सुनो, केवल सुनो नहीं, सुन तो रहे हैं, अब आप बोलोगे तो हम सुनेंगे ही, और आप जब कहोगे कि सुनो तो सुन तो रहे हैं, परंतु उस सुनो का मतलब होता है ध्यान से सुनो। तीव्रता से सुनो, व्यग्रता से मत सुनो, एकाग्रता से सुनो। भगवान ने कहा कि ये चारों भक्त हैं तो चारों में भक्ति है, परंतु भक्ति का स्वरूप कहीं आर्तता है, कहीं अर्थार्थित्व है, कहीं जिज्ञासा है और कहीं ज्ञान है। और अंततो गत्वा भगवान ने कहा ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी को तुम, ज्ञानी तो मैं ही हूं, मैं ही ज्ञानी हूं, ज्ञानी मैं हूं।
तो ऐसा ज्ञान जिसमें भगवान से कोई विलक्षणता न रहे, अलगाव न रहे, वह ज्ञान भक्ति है, एक रूप है। इसीलिए यहां पे फलरूपा जहां कहा भक्ति को, वह फलरूपा भक्ति उस ज्ञान का निर्देश करती है। मतलब फलरूपत्व, यहाँ पे भक्ति का जो फलरूपत्व कहा गया है इन सूत्रों में, वहां समझ लेना चाहिए कि वह वैसा ज्ञान है कि जिसे भगवान श्री कृष्ण भक्ति भी कहते हैं। आप देखिएगा फलरूपत्वाद, और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि ईश्वर अभिमान को पसंद नहीं करता है, भगवान अभिमान को पसंद नहीं करते हैं। और यदि भगवान को किसी चीज से नफरत है तो वह अभिमान ही है, और भगवान को कोई वस्तु बहुत अच्छी ही लगती है, प्रिय लगती है, तो वह दैन्य है, दीनता है। भक्ति में ये दोनों ही चीजें हैं। भक्ति जब साधन कोटि की है तो भक्ति में ये दोनों ही बातें हैं। भक्त में ना ही अभिमान है और भक्त में शरणागति होने के कारण दैन्य भी है कि प्रभो तुम्हारे सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरा कोई आधार नहीं है। अभिमान की बात यह है कि अभिमान परमात्म प्राप्ति में बंधन बनता है, व्यत्यय बनता है, अड़चन बनता है, क्योंकि अभिमान का स्वरूप है अहम करता अहम भोक्ता, यही रूप। दैन्य में भी भले ही अहम करता अहम भोक्ता ये रहे, परंतु वह जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वह गलने वाला है। यहां जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है अभिमान का, वह कड़ा है, गल नहीं सकता। इसलिए ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, ये बात कही। अब नारद जी अपनी इस बात को ही पुष्ट करने के लिए, कौन सी बात, कि भक्ति की इतर साधनों से श्रेष्ठता सिद्ध करने जा रहे हैं। ऊपर दो कारण तो बताए, अब उन कारणों को वो पुष्ट कर रहे हैं। तस्या ज्ञानमेव साधनम इति एके, 28वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, तस्या मतलब भक्ति के, भक्ति का साधन ज्ञान है, ऐसे किन्हीं लोगों का मत है, किसी का मत है। अब किसी का मत है ये कह के नारद जी इस मत का अंगीकार तो नहीं कर रहे हैं। वेदांत में भी और भागवत का अनुशीलन करने पर यही पता चलता है कि ज्ञान को, ब्रह्मज्ञान को भक्ति का साधन तो नहीं माना गया। भक्ति भले ही ज्ञान की साधन हो, और ऐसा ज्ञान कि जिसको भगवान श्री कृष्ण भक्ति कहते हैं, ये बात अलग है, परंतु सिद्धांत रूप से
भक्ति को ज्ञान का साधन ही स्वीकार किया गया है। पद्म पुराण में एक रूपक के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया, इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। वहां उन्होंने कहा कि भक्ति माता है और ज्ञान पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य दोनों ही पुत्र हैं। तब बात आई, इसका अर्थ यही निकला कि भक्ति कारण है और ज्ञान उसका कार्य है, भक्ति साधन है और ज्ञान साध्य है, भक्ति एक क्रिया है और उसका फल ज्ञान है। यही उस कथानक से सिद्ध होता है, यही भागवत आदि पुराणों का भी यही सिद्धांत है जो उपनिषदों का सिद्धांत है, इसीलिए तो यह पुराण प्रमाण रूप है। इसलिए यह जो एके एके मतलब किन्हीं एकों का ये मत है, वह मत नारद जी पूरी तरह से अंगीकार नहीं करते हैं कि भक्ति का साधन ज्ञान है। फिर बात यह आई, उन्होंने जो पौराणिक पुराणों का मत, उपनिषदों का मत है, अपना मत है, अभी तक उसको उद्धृत नहीं किया। फिर और एक मत को उन्होंने प्रस्तुत किया, कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं कि ज्ञान भक्ति का साधन है और भक्ति भी ज्ञान का साधन है। भाई झगड़ा ही मत करो, ज्ञान साधन है कि भक्ति साधन है, ज्ञान का साधन भक्ति है कि भक्ति का साधन ज्ञान है, इसमें झगड़ा मत करो। सामंजस्य स्थापित करने वाला ये मत है, परंतु उस बात को भी नारद जी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। अन्योन्याश्रयत्वम इति अन्ये, ये कहते हैं। अन्य मतलब दूसरे लोगों का यह मत है। ज्ञान और भक्ति में परस्पर साधन साध्य भाव है, ये कुछ लोगों का कहना है म्यूचुअली, परंतु उस बात को भी नारद जी पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। अर्थ यह है कि भक्ति होगी तब ज्ञान होगा और ज्ञान होगा तब भक्ति बद होगी। यहां मुर्गी और मुर्गी का अंडा तो अंडा पहले अथवा मुर्गी पहले, इस प्रकार का विवाद होगा तो कहा परस्पर एक दूसरे का कारण है। जब तुम्हें ज्ञान होगा तो भक्ति आवेगी और भक्ति होगी तब ज्ञान होगा, सामंजस्य इस प्रकार से भी बैठ सकता है कि जहां तुम हो, अगर तुम्हें ईश्वर के विषय में कुछ जानकारी है तो उससे ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा। जब ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा तो ईश्वर के विषय में तुम और जानना चाहोगे, इसीलिए ज्ञान बढ़ेगा। जब और जानोगे तो और प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो और ज्ञान होगा। इसीलिए यहां एक दूसरे के वे परस्पर साधन बनते हैं, ये
अन्य लोगों का मत है। तो दो मतों को प्रस्तुत किया। ज्ञान भक्ति का साधन है, यह एक मत, और दूसरा मत ज्ञान और भक्ति परस्पर एक दूसरे के साधन है, यह मत। अब सनत कुमारों का मत प्रस्तुत करते हैं। सनत कुमार जो हैं, ये नारद जी के गुरु हैं, तो उनका मत प्रस्तुत करते हैं। स्वयं फल रूपा इति ब्रह्म कुमारः। ब्रह्म कुमार मतलब सनत कुमार, जो सृष्टि के पूर्व में जो ऋषियों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की थी, उसमें पहले ये सनत कुमार हुए, नारद जी इत्यादि हुए, वह जो सर्ग है उस सर्ग में ब्रह्म कुमार आया। सनत कुमार कहते हैं कि भक्ति स्वयं फल रूपा है। अब देखिएगा कि ऊपर भी कहा कि भक्ति का साधन ज्ञान है। जिस मत का पूरी तरह से नारद जी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस मत का आलोड़न करने से हमको पता चलता है कि ज्ञान को साधन माना अर्थात भक्ति को साध्य माना, भक्ति को फल माना। परंतु नीचे आकर के जब सनत कुमार ऋषियों का मत देते हैं, तब कहते हैं इन्होंने भी भक्ति को फल रूपा ही तो माना है, और भक्ति की श्रेष्ठता में जो कारण दिया, उस कारण में भी उन्होंने कहा फल रूपत्वाच्च। ये थोड़ा दार्शनिक विषय है, यहां थोड़ी उहापोह हो रही है, कदाचित कुछ लोगों को यहां क्लेश भी हो सकता है, परंतु ये विषय ही दर्शन है, भक्ति दर्शन है, सूत्र रूप होने से ये भक्ति दर्शन है। तो क्या ब्रह्म कुमारों का मत वही है जिसका अंगीकार नारद जी नहीं करते? तो यहां हमें कुछ बातों से इसको रीइन्फोर्स करना पड़ेगा, पुष्ट करना पड़ेगा, और वो ये है कि भक्ति को ब्रह्म कुमारों ने साधन भी माना और स्वयं फलरूपा भी माना है। तो भक्ति के दो अंग हो गए, एक साधन भक्ति और एक साध्या भक्ति। साधन भक्ति जो है वो ईश्वर के विषय में, मतलब सगुण साकार ईश्वर के विषय में भी हो सकती है और सगुण निराकार ईश्वर के विषय में भी होगी। जब परमात्मा का स्वरूप निर्गुण निराकार है तो उसका साधन तो केवल ज्ञान ही है, परंतु निर्गुण निराकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको ईश्वर में आस्था प्रेम होना चाहिए। सगुण साकार ईश्वर के विषय में भी होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। जब सगुण साकार ईश्वर के विषय में, अर्थात जहां आप राम कृष्ण शिव इन रूपों में आप ईश्वर को देखते हो, समझते हो, और वह ईश्वर जो जगत कारण है, वही मेरा प्रियतम है, अनंत करुणा घन है, अनंत कल्याण गुणशाली है, यह जब होगा तो उसमें प्रीति प्रेम बढ़ेगा। और जब
उस ईश्वर के विषय में इस प्रकार की प्रीति प्रेम होगा तो स्वयं ईश्वर ही उसके हृदय में ज्ञान दीपक बनके अज्ञान को मिटा देगा। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार कारणात्। ये भगवान का वचन है, इसीलिए जो साधन भक्ति है उससे ईश्वर में प्रीति तो होगी ही, और जब ईश्वर में प्रीति सुदृढ़ हो जाएगी तो स्वयं परमात्मा हृदय में ज्ञान दीपक बनके अब अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को मिटा देगा। और यह जो ज्ञान है ये स्वयं भक्ति रूपा है। इसीलिए ब्रह्म कुमारों का ये जो मत है, स्वयं फल रूपा इति ब्रह्म कुमाराः, यह जो मत है वह जो पूर्वोक्त ऊपर दो सूत्र पहले जो कहा गया उस मत से भिन्न है। स्वयं फल रूपा इति, केवल फल रूपा इति ब्रह्म कुमारा कहते हैं तो बात नहीं बनती, परंतु स्वयं फल रूपा इति कहा तो शुरुआत में जो साधन भक्ति रहे अब वही साध्या भक्ति है। एक बात ये भी है कि आप समझो कि भक्ति का अर्थ ईश्वर से प्रेम है, प्रीति है, और ये साधन है। जब साध्य की प्राप्ति हो जाती है तो साधन का त्याग होता है। तो जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो क्या ईश्वर से प्रेम करना बंद कर दोगे क्या? ईश्वर प्राप्ति से ईश्वर में प्रेम करना बंद होगा कि उसी में प्रेम और भी बढ़ेगा? उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो भक्ति इसीलिए साधन भी है और साध्य भी है। ये नहीं हो सकता कि ईश्वर प्राप्ति के बाद अब ईश्वर तो मिल गया, अब क्या भक्ति करना, अब क्या ईश्वर से प्रेम करना, हो गया, छूट नहीं जाएगा। स्वयं फल रूपा इति ब्रह्म कुमारः, इसीलिए वहीं पे वह रमण करेगा। पहले तो केवल सुना था कि ईश्वर आनंद रूप है, परमात्मा आनंद रूप है, अब वही आनंद मैं हूं ही, इसी में ही वो डूबा रहता है। शिव महिम्न स्तोत्र में एक सुंदर श्लोक आता है, वहां पे ये कहते हैं कि जो मुनि है वह, तुम तो अमृत का सरोवर हो, जो एक बार इसमें गोता लगाता है, डूब जाता है, वो उससे बाहर ही नहीं आना चाहता। भाई ईश्वर की प्राप्ति हो गई, अब ईश्वर को छोड़ के अन्य किसको देखें? मिथ्या दुख रूप संसार को देखने की लालसा इच्छा होगी ही क्यों? मिथ्या भी है और दुख रूप भी है ये संसार, इसलिए इस संसार से विमुख होकर के केवल परमात्मा में ही लीन रहना ज्ञानी भी चुनता है, पसंद करता है, यही भक्ति का स्वरूप है, क्योंकि वह आनंद रूपा है, अमृत स्वरूपाच। तो ये जो मत है ब्रह्म कुमारों का, उस मत का ही पूर्णतया अंगीकार नारद जी करते हैं, और उसी मत को उन्होंने पूर्व में भी उद्धृत किया कि भक्ति की श्रेष्ठता क्यों है, ये कहने के लिए। भक्ति का मार्ग जो है वह प्रीति रूप होने के कारण सुख है,
भक्त ये नहीं कहता कि हे प्रभु जब तुम मुझे धन दोगे तब मुझे सुख होगा। भक्त ये कह रहा है कि जो दो न दो, लेकिन तुमसे जो मेरी लव बनी है, जो धागा तुमसे जुड़ गया है, अब मैं उसी में तृप्त हूं। मुझे अन्य किसी की अपेक्षा ही नहीं है। इसीलिए गोपियों ने भी भगवान को उलाहना देते हुए कहा कि कृष्ण देखो तो तुम कैसे हो, जिन जिन लोगों को तुमसे प्रेम हो गया वे लोग तो अपना परिवार घर द्वार सब छोड़ के केवल कृष्ण कृष्ण कहते हुए घूम रहे हैं। हम गोपियों की भी वैसी ही अवस्था तुमने कर दी, क्योंकि हमें भी तुमसे प्रेम जो हो गया। तुमने एक बार बंसी क्या बजाई कृष्ण, जो जो हमारे हाथ में था वो सब छूट गया। ना ही हमें अपने परिवार की सुध है, ना ही हमारे घर द्वार की सुध है, ना ही हमें अपने देह की सुध है, ना ही हमको अपने क्षेम के रात्रि का समय है। कोई जंगली जानवर रास्ते में हो सकता है, कांटे कंकड़ रास्ते में पड़े होंगे, हमें उसकी भी कोई परवाह नहीं रही। कृष्ण कृष्ण कहते हुए हम यहाँ पे चली आई। तो कृष्ण तुम्हारी प्रीति ऐसी ही है कि बाकी सब चीजों को तो छुड़ा देती है, और अब हमारी अवस्था ऐसी है कि हम कृष्ण तुम्हारे सिवा रह ही नहीं सकते। अगर तुम हमसे बिछड़ जाओ तो हमारे प्राण ही शरीर से बिछड़ जाएंगे। इसीलिए कृष्ण आओ, हमसे दूर न रहो। गोपियों की अवस्था यह है। तो स्वयं फलरूपा इति, इसलिए भक्ति का मार्ग जो है वह सुखकर ही है। और मतलब जो साधन भक्ति है वह भी सुखरूपा है, और जो साध्य भक्ति है, साध्या भक्ति, भक्ति का जो अंतिम स्वरूप है वह भी पूर्णतया आनंद रूप है। उसी में डूबना, उसी में उतरना है। इतना डूबना है कि पुनः ऊपर संसार कभी दिखे ही नहीं, कोई कुछ द्वैत दिखे ही नहीं, केवल तुम ही हो कृष्ण, तुम ही हो। इसलिए ये जो ब्रह्म कुमारों का मत है वह फलरूप आई थी, ये कारण को भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जो नारद जी ने कारण दिया था वही है। अब उसी बात को कहते हैं कि स्वयं फलरूपा इति ब्रह्म कुमारः। 32वें सूत्र में कहते हैं राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, कहा कि दृष्टांत देते हैं तथैव, तथा एव दृष्टत्वात्, तथा एव दृष्टत्वात् वैसे ही देखा गया है। क्या कहा, क्या देखा गया कि राजगृह मतलब राजा से मिलना हो तब, और भोजन आदि में, भोजन का दृष्टांत पहला समझ लीजिए। आपको यदि सारा ज्ञान हो कि ये व्यंजन जो बनाना है इसमें क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या नहीं पड़ेगा, कैसे पकाना, कैसे इसको परोसना, ये सारी चीजें भले ही पता हो, परंतु वह पता होने से, उसकी जानकारी होने से क्या आपकी भूख मिटेगी? जानकारी हो गई कि ये सब्जी ऐसी बनती है, ये पदार्थ ऐसे बनता है, ये जानने से क्या आपकी क्षुधा शांति होगी? नहीं होगी। वहां करनी पड़ेगी, भोजन करना पड़ेगा। अब जब भोजन करना पड़ेगा
तब क्षुधा की शांति होगी। केवल जान लेने मात्र से ही यहां क्षुधा शांत नहीं होगी। वैसे ही राजगृह में भी महाराज जी कहते हैं कि कोई एक गया राष्ट्रपति भवन में, वहां द्वारपाल ने पूछा क्या काम है, तो ये कहता है कि मैं राष्ट्रपति को मिलना चाहता हूं। तुम राष्ट्रपति से मिलना चाहते हो, क्या वे तुम्हें जानते हैं, तो कहता है कि मैं जानता हूं वो नहीं जानते। अरे भाई, तुम्हारे जानने मात्र से पूरी दुनिया राष्ट्रपति को जान रही है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने के लिए केवल ये राष्ट्रपति है इतना जानना पर्याप्त नहीं है। उनकी सेवा में कुछ लाए हो, उनके लिए कुछ कर रहे हो, तब तो तुम्हें उनसे मिलना जायज होगा, हो सकता है। इसलिए दृष्टांत दे दिया और इस दृष्टांत को दो सूत्रों में बांट दिया, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। न तेन राजपरितोषः क्षुधा शांतिर्वा। केवल तुम जान लेते हो कि ये राष्ट्रपति है, इनके ये पिता है, इस गांव में जन्म हुआ था, यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की, ये उनका ज्ञान है, ये उनके उनकी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स है। इतने जान लेने मात्र से ही तुम राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते हो। अथवा भोजन में ये सब्जी है, ये व्यंजन है, ये पदार्थ है, इसमें पड़े हुए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इतना जान लेने से तुम अपनी भूख को नहीं मिटा सकते हो। क्षुधा का अर्थ होता है भूख, और क्षुधा शांति मतलब भूख का मिटना, भूख शांत हो जाना, नहीं हो सकता है। तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती है केवल ज्ञान मात्र से ही। इसीलिए जैसे वहां है वैसे ही यदि तुमको ईश्वर से मिलना है तो केवल ईश्वर ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, इतनी जानकारी से ईश्वर की प्राप्ति नहीं, तुम्हें ईश्वर में प्रेम करना होगा। इसीलिए भक्ति साधन भी बनती है और भक्ति साध्य भी बनती है। यही भक्ति की श्रेष्ठता में कारण उन्होंने कहा। अब बात यहां यह है कि यहां निर्गुण निराकार परमेश्वर की बात नहीं हो रही है, यहां सविशेष परमात्मा की बात हो रही है। क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा तो अपना स्वरूप होने के कारण उसमें प्रीति भी है परंतु ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान की ही कमी है, उस ज्ञान से ही इसीलिए यहां आत्म प्राप्ति होती है। तो जहां ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति का विषय है वहां ज्ञान, जहां ज्ञान साधन बताया वहां परमात्मा का अर्थ निर्गुण निराकार परमेश्वर है, और जहां ज्ञान को ही साधन के रूप में नहीं भक्ति को ही साधन के रूप में माना गया है वहां सगुण परमेश्वर की बात हो रही है। सगुण परमेश्वर की बात हो रही है, ये ध्यान में रखना चाहिए। न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा तस्मात् सा एव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। और इसीलिए इस भक्ति को मुमुक्षुओं ने ग्रहण करना चाहिए। अर्थ यह है कि भाई, सबसे पहले आपको परमात्मा निर्गुण निराकार है ये इस बात से कुछ न होगा, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो। इसलिए जीवन में यदि कुछ चाहिए तो आपको परमेश्वर से भक्ति करनी पड़ेगी, और उस भक्ति के लिए ईश्वर सगुण साकार राम कृष्ण के रूप में
शिव दुर्गा के रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, एक संबंध बनाना पड़ेगा, और वह संबंध भी प्रेम का, और ऐसा प्रेम जिसके बिना आप रह नहीं सकते। जब प्रीति का ये स्वरूप होगा और परमेश्वर का यही स्वरूप होगा, तो वही परमेश्वर ज्ञान रूप बनके आपके हृदय में प्रकाश करेगा। अब जिस परमात्मा से कोई बिछड़ने की बात ही नहीं है, केवल डूबना डूबना और डूबना ही है। निकल के हम संसार को देखे ये इच्छा ही न होगी। जब प्रारब्धवशात वृत्ति बहिर्गामी होगी और संसार दिखेगा, तब उस महात्मा को यही लगेगा, उस भक्त को यही होगा कि मैं पुनः कब परमात्मा में लीन हो जाऊं। महाराष्ट्र के एक संत हुए तुकाराम महाराज, उन्होंने एक दृष्टांत दिया। वे अपने दृष्टांत में कहते हैं, अभंग में रचना में कहते हैं कि उन दिनों में, उनके उस समय की बात है, 300 साल पहले, 300-350 साल पहले की बात है, कि कन्याओं का विवाह बड़े ही छोटे आयु में किया जाता था। अब उस कन्या को साल में एक ही दो बार अपने माता पिता से मिलने के लिए मैके आने का मौका मिलता था, अवसर प्राप्त होता था। लेकिन 4 दिन रहने के बाद फिर उसे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। और जब जाना पड़ता है, तब वह कन्या अपनी माँ के घर बार 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 मुड़ के देखती है, भला जाना पड़ रहा है, जाना नहीं चाहती अपनी माँ के आंचल को छोड़ के, लेकिन जाना पड़ता है। आंखों में अश्रु भर आते हैं और उन आश्रुओं के कारण अपने माँ का चेहरा ठीक तरह से देख भी नहीं पाती। बार बार पहुंचती है और बार बार मुड़ के देखती रहती है अपने घर को, पिता के घर को, जब तक के वो ओझर न हो जाए और ससुराल चली जाती है, केवल अपने माँ के उस स्मृति को लेके कि माँ के पास बैठने का जो सुख था, उसी को लेकर के अपने ससुराल में कुछ दिन रहती है और फिर इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है कि अपने माँ के पास कब चली जाए। वैसी ही अवस्था होती है कि बला अब जब प्रारब्ध खींच के संसार में ले आता है, तब वह भक्त कहता है कि क्या देखूं, यहाँ पे बलात् इस प्रारब्ध ने लाया है, मैं मुड़ के वापस तुम्हारे ही छांव में आना चाहता हूं, कृष्ण ले चलो, अब देर मत करना। इसलिए रमण महर्षि का भी एक बड़ा सुंदर वाक्य है और वो ये कहते हैं, इवन जीवन मुक्त लुक्स फॉरवर्ड टू शेडिंग हिज बॉडी। क्या देखे इस संसार को, बस तुम ही में रहना है, तुम ही में समाना है, समा जाना है, क्या देखना। इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ साधन है, मुमुक्षुओं ने उसी का ग्रहण करना चाहिए अपने जीवन में। हमारा फाउंडेशन, बुनियाद जो है अपने जीवन की, वह ईश्वर भक्ति की होनी चाहिए, परमात्मा के प्रीति की होनी चाहिए। दूसरी कोई बुनियाद नहीं कि मैं इस जीवन में बहुत पैसे कमाऊं अथवा और कुछ करूं, नाम शौहरत पाऊं, कुछ नहीं।
मैं इस जीवन में यहाँ आया हूं तो केवल तुम्हारे लिए कि तुमसे मैं प्रीति कर पाऊं। ईश्वर की भक्ति कैसे हो, परमात्मा में प्रीति कैसे हो, यही लगन लगनी चाहिए। यही बात नारद जी ने यहाँ कही कि सा एव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। इसके आगे का प्रकरण जो है वो भक्ति के साधनों का है, उसका विचार हम अग्रिम सत्र में करेंगे। यही विश्रांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम महादेव। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।